तो अभी चटाई आ गया है दौड़ के वापस, और इसको आदत है ग्लास में पानी पीने की, छोटा था तब से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम सीताराम। तो कल रात से बारिश की स्टार्टिंग हो गई है, मानसून आ चुका है, और आज बारिश जैसा तो था ही, तो अभी शुरू भी हो गई है। ये भाग रही है, बारिश आई तो अभी उस तरफ ज्यादा हो रही है, किंदरखेड़ा साइड, इधर इतनी नहीं आ रही। अभी पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, और इतनी ठंडी एसी, एसी में कितनी कैसी ठंडी हवा आती है, वैसी आ रही है, बिल्कुल ठंडी हवा, एसी जैसा ही लग रहा है। अब देखो खेत में पहुंची है, इधर इतनी नहीं आ रही, खेत में ज्यादा है उधर, अभी इधर आई ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम सीताराम। तो अभी इवनिंग का टाइम है, और आज गुलाब जामुन बन रहे हैं। आज बारिश हुई इसलिए,
पहली बारिश, मॉनसून स्टार्ट हो गया आज से। और इधर बन रहे हैं पकोड़े, भजिया जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, आलू प्याज मेथी मिर्ची सब कुछ इसमें डालेंगे। और इधर मम्मी बना रहे हैं चाशनी गुलाब जामुन के लिए। और ये है बाजरे के आटे के भजिए पकोड़े, और वो थे चने के, ये बाजरी के हैं, इसमें है खिचड़ी। और इधर चाशनी बना रहे हैं मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून, राम राम, सीताराम सबको। तो अभी बारिश आ रही थी और अभी रुक चुकी है, जरा जरा से आ रही है। तो अभी बारिश आके रुक चुकी है और आज नारियल वाले भी आए हैं, नारियल तोड़ने वाले, वो वहाँ पर है वो रहे। और अभी रामदेव अम्मा और वीरा माता भी आए हैं घर पर, सिर्फ रामदेव अम्मा और वीरा माता आए हैं, बाकी कोई नहीं आया। तो अभी रोज़ बारिश आ रही है, अभी बस रुकी ही है थोड़ी देर पहले, एक दो मिनट पहले ही, ताकि मैं भी अभी पूरा गीला ही हूँ, बारिश में भीग गया मैं पूरा, क्योंकि थोड़ा सा काम था तो वो कर रहे थे, तब तक तो बारिश आ गई तो उसमें भीग गए मक्खियाँ। तो बारिश आती है तो मक्खियाँ बहुत हो जाती है, और बारिश ने थोड़ी देर ही आई थी लेकिन बहुत तेज़ आई है। सॉरी थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा है, अब नहीं हिल रहा। और एक दो दिन अगर ऐसी बारिश आई तो यह पूरी नदी भी भर जाएगी, देखो कितना पानी आ रहा है वहाँ से। ये नदी अधूरी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब कि मीडियम अधूरी थी, लेकिन बहुत भर गई है। और ऐसे ही एक दो दिन बारिश आई तो ये पूरी भर जाएगी। और जामुन भी पके हैं, ये देसी जामुन हमारे, लेकिन वहाँ पर मैं खाने कैसे जाऊँ, देखो वहाँ पर है। और नीचे नदी अगर गिरा तो सीधा नदी में, लेकिन खाने तो है तो यहाँ पर है, वहीं से खा लेते हैं, भी ज़्यादा रिस्क अच्छा नहीं है, वरना तो इसके ऊपर चढ़ के भी खा सकती हूँ, वो देखो बहुत सारे। और यहाँ पर भी बहुत सारे गिरे हैं नीचे, ये तो कच्चे गिर गए, देखो ये जामुन, ये देसी जामुन है। और जो दूसरे बड़े वाले आते हैं ना उसे हम रामणा बोलते हैं, जामुन ये होते हैं असली जामुन। और ये मीठे भी बहुत होते हैं पकने के बाद, जब कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं, लेकिन पकने के बाद बहुत मीठे हो जाते हैं ये। ये अभी कच्चे ही हैं सारे। तो अब जामुन खाते हैं और चलते हैं वहाँ पर, ये पूरी पॉकेट भर चुकी है जामुन की। मेरे को जामुन बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये नारियल काट के रखे, और ये है पका हुआ नारियल, इसके अंदर नारियल हो गया है खाने लायक। और यहाँ पर टाइगर नारियल खा रहा था और अभी खा गया है। टाइगर जब भी आते हैं तब इनके साथ ही रहता है ताकि इसको नारियल मिलते रहे, क्यों। और मूंगफली भी उग चुकी है अभी अच्छे से, कहीं कहीं पर नहीं होगी है तो उसका भी कुछ करेंगे, कि थोड़े से बीज ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव पीस होते हैं कुछ, जिससे कि नहीं उगते। और विनमत तो रामदेव अम्मा है वहाँ पर, क्योंकि आज बारिश थी तो ज़्यादा नारियल नहीं टूट पाए, तो इसलिए अभी आज थोड़े से ही तोड़े नारियल, बाकी अभी कुछ दिनों बाद बारिश कम होगी तब। तो यहाँ पर टायर फंस रहे हैं इसके, क्योंकि वजन भी, और ये एकदम टेढ़ा हो रहा है स्लिप होकर। बस इतू जा दियो, ये तो जनाब बोला तो बहुत बहुत।
तो ये फंस चुका है अभी यहाँ पर, ये गीला था ना इसलिए। तो अभी इसको ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर भी फंस रहा है, ये इतने में फंस गया था। तो अभी रामदेव मामा वीर माता और पूजा साथ में जा रहे हैं, पूजा भी साथ में जा रही है।